भी कोई अच्छी चीज आ गई तो हम हमेशा अपने खास लोगों को बताते। जिन लोगों ने आपको यहाँ बुलाया, लगता है मैं भी पहली बार जब आया था प्रोग्राम में, मेरे मन में वही जाना था कैसे लोग हैं, कैसे दोस्त हैं। 500 रुपए के लिए मेरे को बुला लिया। पहले तो पूरे हफ्ते ऑफिस में रहा, एक दिन मिलता हूँ, 500 बोलना चाहूंगा सर। क्या आप अपनी किसी भी रिलेशन को या फिर जिन्होंने भी बुलाया कोई ना कोई तो आपका खास होगा भाई? किसी अनजान बंदे के बुलाने में थोड़ी है भाई, किसी तो अपने बंदे ने आपको बुलाया। और क्या लगता है अपने बंदे को आप क्या 500 रुपए के लालच में क्या उसको 14-15 रुपए खराब करवा दोगे क्या? क्या आज के टाइम में कोई भी अपना फेस वैल्यू है, जितने सालों से अपना एक जो रिलेशन होता है, एक व्यवहार जो अपना बनता है 10-15 साल का, वो क्या 1500 रुपए के लिए खराब करेगा? कोई कोई नहीं करेगा सर, सच्चाई बात। जब ये जो लोग हैं यहाँ पे जो भी है, आपको लगता हो कि शायद ये आ रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने यहाँ से प्रोडक्ट यूज किए, उनका रिजल्ट लिया, और जब रिजल्ट आता है हम कोई भी मार्केट में अच्छी चीज खरीदते हैं तो हम सबसे पहले कोई भी अच्छी चीज मिलती है तो किनको बताते हैं? अपने लोगों को बताते कि नहीं बताते भाई? अगर आप बोला ढूंढ के आए तो सबसे पहले किसको बताओगे? अपने खास लोगों को बताओगे, सबसे पहले उनको बताओगे, सबसे खास को बताया जाता है, सही है? तो वही चीज है कि सर इन लोगों ने शुरुआत करी है और आप साथ चाहते हैं कि अगर हम साथ मिलकर करें तो बहुत सारा काम कर सकते हैं। पर बात वही आती है, एक चीज डर लगता है कि डिसीजन लेने में दिक्कत क्या लगता है कि चीज को लेकर हम डिसीजन नहीं लेंगे। मगर डिसीजन लेने के लिए यहाँ पे 15-16 हज़ार रुपए का हमें प्रोडक्ट परचेज करना पड़ता है लाइफ में वही तरह। और मैं बोलूँ लगता है पहले दिन यार 14-15 हज़ार रुपये बचा भी जाए। मैं एक चीज आपको आज क्लियर कर दूँ सर, अगर यहाँ पर शुरुआत ना भी करें इस आयुर्वेद के 15,000 के प्रोडक्ट को ना भी लें, तो अगले एक साल के अंदर 15,000 डॉक्टर को तो वैसे ही देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? भाई मैं बिजनेस की बात नहीं कर रहा, आपको 2,000 हम 14-15 हज़ार रुपये का आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लेके अपनी बॉडी की सर्विस ना करें तो अगले एक साल में डॉक्टर को तो वैसे भी 15,000 देने हैं, और अगर बचा भी लें तो कितने बचा सकते हैं? भाई 15,000 के अगर कोई बैंक वाला बंदा तो बताओ एफ डी करने के तो कितने टाइम में मेडिकल देगी? भाई 10 साल में 14,000 अगर 15,000 आज अगर एफडी करें तो 15 साल बाद कितने हो जाएंगे, और 15 साल के बाद 3,000 की वैल्यू कितनी होगी? 8-9 हज़ार तो निकल हो जाएगी सर, सच्चाई। और 3,000 आ भी गया तो सब क्या हो जाएगा? बच्चे की एक महीने इंग्लिश चली जाएगी, भाई दूर छोटे कपड़े आ जाएंगे, इतना ही कुछ नहीं होगा। 15,000 का समझ ना, 14-15 हज़ार रुपये का मोबाइल आता है अपना हर बंदे की जेब में होगा आज की डेट में, और साल 2-4 साल आपकी जिंदगी में आज तक एक ना एक बार हुआ होगा भाई मोबाइल लिया अपने तो टूट गया गिरने से, या कहीं घूम गया है, चोरी हो गया। क्या लगता है मोबाइल अगले एक दो दिन आता ही नहीं आता, और कितने दिन दुख रहता है उसका? मैं दोनों ही लेता हूँ, 99% और 1%, 99% अगर माइनस की विजय कितने दिन दुख रहता है मोबाइल में? एक दो दिन रहता है, 2-4 महीने बाद याद नहीं आता कभी मोबाइल हुआ था, सच्चाई है। और मैं बोलता हूँ बिजनेस के अंदर 99% जो लगता है हर बंदे को, क्या अगर मैं फेल हो गया या काम नहीं बन पाया, हर बंदा यही सोचता है कि यार मैं कर दूँ सारी चीज़ सही है, प्रोडक्ट भी अच्छे बता भी देंगे लोगों को, लोग आप ही जाना जैसा ये बताए वैसा काम अगर हमारा नहीं चल पाया तो मतलब 99% अगर नहीं चल पाया तो जिंदगी में परिवर्तन चाहने वाला मेरा आपसे ये सवाल। भाई मैंने आपसे 4 साल पहले शुरुआत करी बिजनेस की, और इससे पहले मैं अगर बात करूँ तो रहने वाले मार्गों का सर्टिफिकेट नहीं, बाकी 2005 से जयपुर में ही सेटल है। मेरी स्कूलिंग वगैरह सब आर्मी स्कूल से, जयपुर के आर्मी स्कूल से, और 12th के बाद मैंने BCA के बाद सुबोध कॉलेज जयपुर से, 2018 का मैं पास आउट हूँ, और ग्रेजुएशन के साथ में मैंने 3 साल जॉब करी कॉल सेंटर के अंदर। आज समय ना 2018 में मैंने जॉब छोड़ी, 2018 में मेरा ग्रेजुएशन कम्प्लीट हुआ, और 2017 नवंबर के आसपास बिजनेस मेरे को पहली बार मिल गया था, और उसके 4-5 महीने मैंने लिए क्योंकि समझ में नहीं आता ये है क्या। 4-5 महीने में समझ में आया कि मैं फुल टाइम आई जॉब छोड़ के इसमें। आप समझना अगर 1% इस दुनिया पर डिसीजन नहीं भी लेता या नहीं होता कामयाब तो लाइफ में क्या परिवर्तन आया? कोई खास परिवर्तन आता भाई? जो बोल सकता हूँ कि भाई जो जॉब थी मेरी 12,000-4,000 में आते थे कॉल सेंटर में करते भाई आप में, वो शायद 16,000-17,000 तक पहुँच जाती, और लॉकडाउन के बाद शायद वो भी गिर जाती। क्या लॉकडाउन के बाद उतना मिलता नहीं मिल पाता था? और जयपुर जैसे शहर में सर मम्मी पापा बैठे ऊपर जब भी 10-12 हज़ार का खर्चा निकल जाता है, मम्मी पापा बैठे अपने ऊपर एक कोई बंदा बैठा होता है उस वजह से 10-15 हज़ार का खर्चा निकल जाता है। अगर बंदा खुद के ऊपर समझे तो जयपुर में कम से कम जो आप में से होंगे कुछ लोग जो घर परिवार चला रहे हैं वो अच्छे से जानते हैं 90,000 रुपये से कम से घर चला ही नहीं मिलता जयपुर। आपके 4 बंदों का परिवार है ना, और बच्चों की फीस जाती है, और खाना पीना सब खुद का ही घर है, या रेंट पे भी अगर रह रहे हैं हम किराया वगैरह सब दे रहे हैं, तो 70-80 हज़ार रुपये से तो ऊपर घर को मेंटेन करने के लिए चाहिए क्या नहीं चाहिए? इतना तो चाहिए 10-12-15 हज़ार में कुछ नहीं होता। और एक चीज सच्चाई है आज के टाइम भारत के अंदर 85% लोग 10-15-20-25 हज़ार के अंदर सीखते हैं,
जिस मूवमेंट के अंदर लोगों की गाड़ियां पकड़ के ले जाते बैंक वाले, बात ये नहीं।